समझ नहीं आ रहा मैं आप लोग को कौन सा पहले लीग दिखाऊं। मतलब मेरे पास इतना सारा लीग आ चुका है, नेक्स्ट क्लाइस क्रेड, नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड, सप्लाई क्रेड, सभी का लीग्स मेरे पास है। अरे एक सूट को कैसे भूल सकता हूँ, एंड 300 जो सिल्वर कॉइन का स्पिन मिलता है, आप लोग को मिलेगा या नहीं एक सूट वाले स्पिन में। और गाइज न्यू लैम्बोर्गिनी एड हो रही है और फिर से यहाँ पे कोलेबोरेशन हो रहा है लैम्बोर्गिनी के साथ बीजमा एंड पबजी वालों का। और गाइज कुछ गुड न्यूज है बीजमाई वालों के लिए, क्योंकि भाई वो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। रुको जरा मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। अभी देखो गाइस पबजी में 3.3 अपडेट आ चुका है, पर बीजमाई में अभी बहुत टाइम है, तो भाई उसका वेट करना पड़ेगा। डोंट वरी गाइस, आप लोग को रिलीज डेट के साथ सारा लीक दिखाऊंगा। एंड हाँ आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग कॉमेंट करते हो तो शाउट आउट मिलता है, तो कॉमेंट जरूर करो। यहाँ पे सबसे पहला शाउट आउट जाता है गोविंद वाईटी, एंड हाँ पूरा नाम देख सकते हो। हाँ एक ही कॉमेंट था, मतलब सपोर्ट कम मिल रहा है, तो भाई आप लोग सपोर्ट करो, कॉमेंट करो एंड हाँ लाइक करके कॉमेंट करना। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का कोलेबरेशन देखने वाले हम लोग। ये जो कोलेबरेशन है दोबारा से हो रहा है और इसमें कुछ नई कारी भी ऐड की गई हैं और कुछ नए सेट्स भी ऐड किए गए हैं। तो भाई नई कारें आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी हैं, एंड जो लोग पहले से जानते हैं उनको तो भाई पता होगा नई कौन सी है एंड पुरानी कौन सी है। तो भाई आप लोग मेरे को कॉमेंट में बता सकते हो कितनी कारें न्यू ऐड हुई हैं और कितनी यहाँ पे पुरानी है, तो भाई आप लोग मेरे को बताना। वेल यहाँ पे सारी के सारे लीक्स आप लोग देख सकते, एंड यहां पे भाई आप लोग को सबसे पहली चीज क्या क्या देखने को मिलती है। पहले तो यहाँ पे आप लोग को पूरे कार्स के जो यहाँ पे स्किन है वो देखने को मिलते हैं, एंड सारे के सारे स्किन यहाँ पे मिथिक हैं, कोई भी यहाँ पे लेजेंडरी यहाँ पे स्किन नहीं है। एंड देन आप लोग को 3 सेट मिल जाता है वो भी मिथिक, एंड यहाँ पे आप लोग को 2 सीटर एंड 4 सीटर सभी की कारें अवेलेबल है, मतलब कि यूएजेड की भी है, डासिया की भी है एंड कोपार्बी की भी है, तो सारी की सारी स्किन यहाँ पे है। बाकी मैं सारे कार्स नहीं दिखा रहा क्योंकि भाई ओल्ड कार है, तो भाई यहाँ पे सेट्स देख सकते हो आप लोग कौन कौन से यहाँ पे सेट ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसे करके भाई आप लोग को यहाँ पे सेट देखने को मिलेंगे, मतलब और यूजी की स्किन भी है, एंड देन यहाँ पे AKM नहीं M762 है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई जो न्यू कार ऐड हुई है उसका लुक फुल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कैसी यहाँ पे दिख रही है, और भाई कसम से इसके लिए बंदे पागल होने वाले हैं, क्या ही कार है भाई। और अंदर से भी लुक देख सकते हो आप लोग कार का, मतलब क्या ही लग रहा है, पूरा रेड, और जिसको भी रेड एंड ब्लैक पसंद है भाई मजा ही आ जाएगा उसको। एंड सेकेंड जो कार ऐड हुई है वो है ये, और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरे हिसाब से पहले से नहीं था, ये न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे, और यहाँ पे ओल्ड वाले कार भी देख सकते हो, मतलब इसका व्हील देखो आप लोग एक बार कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। एंड यहाँ पे भाई आप लोग को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे व्हील्स वगैरह यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं देख सकते हो भाई, पहले ये नहीं था अब यहाँ पे ऐड किया गया है, तो अब की बार यहाँ पे कुछ धमाल होने वाला है, मतलब तबाही होने वाला है, मतलब बंदे अच्छे खासे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या नहीं मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा हूँ, हाँ यहाँ पे अभी सोच ही रहा हूँ। एंड ये कार भाई लड़कियों के लिए, मतलब पूरा पिंक पिंक ही है, मतलब क्या ही बनाया गया है, एंड ये ब्लैक वाली क्या ही लग रही है, मतलब तबाही। ये रेड वाला तो चुम्मिस हो रही है, मतलब देखो यार ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं बिताने वाले कि पूरा कार ही यहाँ पे देखते रहें, आगे भी बहुत सारे लीक्स हैं तो उस पर हम लोग बढ़ते हैं एंड आप लोग को दिखाते हैं वो सारे कार्स। बट इनका यहाँ पे आप लोग को एंट्री वाला चीज भी दिखा देता हूँ मैं। यू आर नाउ द प्राउड ओनर ऑफ अ लैम्बोर्गिनी, यू आर वेलकम टू ड्राइव माय लैम्बोर्गिनी।
और जैसे बेंटली के साथ था वैसे लैम्बोर्गिनी के साथ भी है। यहाँ पे आप लोगों को टाइटल मिलेगा अगर आप लोग कलेक्शन यहाँ पे पूरा करते हो, तो ये मिथिक टाइटल है जिसका यहाँ पे लुक आप लोग देख सकते हो। एंड दो दो टाइटल आई थिंक यहाँ पे, तो टाइटल आप लोग देख सकते हो दोनों मिथिक है। एंड अब आते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्राइस क्रेट पे। एंड हाँ, आप लोग को थोड़ा सा नॉइस सुनाई दे रहा होगा तो माफ़ कर देना क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है क्राइस क्रेट जो कि फर्स्ट क्राइस क्रेट रहने वाला है। एंड हाँ, ये है भाई पबजी का क्लाइस क्रेट और इसी से मिलता जुलता आप लोगों को यहाँ पे बीजमाई में भी सेम क्लाइस क्रेट देखने को मिलेगा। एंड हाँ, ग्लेशियर को तो भूल ही जाओ, पर हाँ पबजी में भाई ग्लेशियर यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ ऐड होगा, और लेकिन बीजमाई में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो भाई आप लोग यहाँ पे मान गए होगे, पर हाँ खुशखबरी आप लोग के लिए है, एंड में मैं आप लोग को बताऊंगा। और गाइज ये है सेकेंड क्लाइस क्रेट जो कि पबजी में ऐड होगा। यहाँ पे भाई आउटफिट आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पे स्पेक्टर टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। और गाइज ये भाई म्यूटेंट की स्किन लेके आएगा, मतलब क्या बोलूँ भाई इसके लिए। और भाई यहाँ पे बीजमाई वालों के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत है, पबजी वालों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उनमें भाई बहुत सारा चीज़ और भी रहेगा, मिथिक एंड सारे सेट्स ऑलरेडी ऐड रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये सेट ऐड होगा बस, और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा पबजी वालों में। बट हाँ बीजमाई वालों में भाई सिर्फ यही आएगा और फिर यही चीज़ फिर टाइम लिमिटेड रहेगा, फिर वही सिल्वर वगैरह रहेंगे। तो भाई ये चीज़ भाई बहुत दिक्कत है। देखो हो सकता है 3.3 में यहाँ पे भाई पबजी या बीजमाई थोड़ा सेपरेट हो जाए, मतलब अलग क्लाइस क्रेट लेके आए, कुछ अलग कर दे, पर हो सकता है ऐसा, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। हाँ गाइज, यहाँ पे भाई लीपोर्ड का कोलेब्रेशन आप लोग को मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे होने वाला है, मतलब कंपेनियन यहाँ पे आने वाला है लीपोर्ड का, क्या ही कोलेब्रेशन। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है लीपोर्ड, एंड यहाँ पे भाई आप लोग को दिख रहा होगा मतलब क्या ही तबाही है। और यहाँ पे भाई ये चीज़ आप लोग देखोगे मज़ा आ जाएगा, इसका जो रोरिंग साउंड है या कह सकते हो इसका जो एनिमेशन है मतलब तगड़ा है। और भाई इसके भी बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, मतलब क्या यार कुत्तों जैसा इसको बना दिया है। तो ये है मतलब थोड़ा सा अच्छा, पर ये भी डॉग ही जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड इसके अलग अलग वैरायटी को हम लोग चेक करते हैं। एंड इसका जो फास्ट फॉरवर्ड वाला सिस्टम था मेरे को अच्छा लगा। तो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे आउटफिट है इसका, मतलब आउटफिट कह सकते हो या कह सकते हो भाई ये मिथिक बन जाएगा। तो ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये वाला देखो, ये वाला तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो यार क्या ही तबाही था ये। एंड ये लग रहा है एशियंट टेम्पल का कोई यहाँ पे बेड है, मतलब क्या ही लग रहा है। और यहाँ पे थर्ड वाला भी देख सकते हो, ये कुछ और नहीं आप लोग का न्यू एक्सूट रहने वाला है। और भाई ये एक्सूट आप लोग देखो, मतलब बताओ कैसा है ये, लगता है पबजी का जो डेवलपर है या कह सकते हो टेंसेंट का, नहीं टेंसेंट का नहीं, जो न्यू यहाँ पे कंपनी आई है पता नहीं क्या कंपनी ऐड हुई है उसका यार जो सीईओ वो है भैया वो लड़की है, मतलब भाई ये किलफीड तो अच्छा है, पर हाँ एक्सूट मेरे को यार गर्ल वाला नहीं चाहिए था, एंड चाहिए भी था तो ये भाई ये आउटफिट क्या दे रहे हो, मतलब कैसे दे रहे हो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। बेल यहाँ पे एक्सूट का यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग देख सकते हो, कैसा यहाँ पे किलफीड रहने वाला है, कैसा यहाँ पे एंट्री रहने वाली है, एंड यहाँ पे लैंडिंग का जो यहाँ पे ग्लाइडर है वो कैसा रहने वाला है। एंड इसकी स्टोरी भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या इसकी स्टोरी रहने वाली है। और इससे अच्छा तो भाई मेरे को यहाँ पे अल्टीमेट सेट आउटफिट लगा है। और यहाँ पे भाई इसके साथ जो यहाँ पे एक्सूट के साथ यहाँ पे आने वाला है वो आप लोग आउटफिट देख सकते हो कैसा आउटफिट रहने वाला है। और भाई आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई 300 स्पिन, जो 300 सिल्वर का स्पिन मिलता था, क्या इसमें यहाँ पे स्पिन में देखने को मिलेगा, मतलब इस वाले स्पिन में देखने को मिलेगा 300 सिल्वर का या नहीं। तो भाई आप लोग को बता दूँ, अगर यहाँ पे गारंटेड वाला सिस्टम रहा, मतलब गारंटेड एक्सूट वाला जो
सिस्टम लगाया गया था वो अगर रहा तो भाई आप लोग को 300 जो सिल्वर का स्पून मिलता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर नहीं रहा तो भाई आप लोग को यहाँ पे 300 सिल्वर का स्पिन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब की बार यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला, मतलब जो गारंटेड वाला रहेगा आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है 300 सिल्वर का जो स्पिन है वो आप लोग को देखने को मिल जाए। तो भाई आप लोग को क्या लगता है, इसको आप लोग स्पिन करना चाहोगे या नहीं, मतलब इस एक्सूट को आप लोग निकालना चाहोगे या नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर यहाँ पे सिल्वर वाला आता है तो भाई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मतलब अपने सिल्वर के साथ। तो भाई आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो बताओ यार जल्दी से कमेंट कर दो यार। हाँ, तो ये ग्रेनेट है और ये इसका जो क्या कहते हैं फ्रेम है, फिर ये ग्लाइडर है, फिर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है इसका बैकपैक और इसके साथ साथ यहाँ पे अपग्रेडेबल गन की स्किन। तो भाई ये सारा चीज़ तो यहाँ पे सभी एक्सूट में रहता है तो आप लोग जानते ही हो। एंड हाँ, इसको भी आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, ये देखो मतलब ग्लाइडर को भी अब यहाँ पे अपग्रेड किया जा सकता है, मतलब कुछ भी बनाए जा रहे हैं। और ये क्या किस पे उतर रहा है कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है यार, मतलब इसका क्या बोलूँ मैं। फिर यहाँ पे आप लोग को जो गन की स्किन मिलने वाली है ये है आप लोग के MG3 की जो एक्सूट के साथ आने वाली है। और हाँ, न्यू जो यहाँ पे आप लोग का एक्सूट आ रहा है उसमें आप लोगों को भाई एक चीज़ तो मिलेगी, मतलब गन की स्किन जो कि बेकार है, क्या ही बोलूँ भाई। ये एक्सूट तो बिल्कुल भी मेरे काम का नहीं है, और आपके काम का या नहीं बताना मेरे को। एंड आप लोग को बता दूँ इससे अच्छा अल्टीमेट सेट है, मतलब मैं आप लोग को दिखाऊंगा आप लोग फैन हो जाओगे, मतलब इतना तबाही अल्टीमेट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मिथिक बन जाएगा भाई अपग्रेड करते करते लेवल 7 पे। फर्स्ट यहाँ पे अल्टीमेट सेट आउटफिट है जो कि भाई बेस्ड रहने वाला है गर्ल पे। हाँ, मतलब आप लोग को भाई पूरा का पूरा जो गेम है वो गर्ल पे बेस्ड देखने को मिल जाएगा। पर एक जो अल्टीमेट सेट है वो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा भाई वो भी। तो पहले तो आप लोग यहाँ पे देखो ये पिंक कलर का आप लोग को स्कैरल देखने को मिलेगा और पिंक कलर की आप लोग को डासिया की स्किन मिलेगी। तो ये सारे के सारे लेवल्स आप लोग देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। पहले तो भाई आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो ये अल्टीमेट सेट आउटफिट है ये 3.3 अपडेट में आएगा, मतलब रॉयल पास जब आएगा उसके बाद यहाँ पे ऐड होता है 3.3 में। और गाइज ये बीजमाई में अभी नहीं आएगा, ठीक है, पबजी में यहाँ पे आएगा, ठीक है, आप लोग को समझा दिया मैंने, तो आप लोग समझ गए होगे आई थिंक। तो अब बारी है यहाँ पे डासिया की जो कि आने वाला है इस वाले स्पिन में। तो इसका नाम यहाँ पे हीरो डासिया है, मैच हीरो डासिया। एंड अच्छा लग रहा है, मतलब बुरा नहीं है, पर हाँ ये मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि भाई ये लड़की वाले पे क्यों बेस्ड है सारा का सारा चीज़, मतलब एक्सूट भी अल्टीमेट सेट भी एंड सारा का चीज़ भाई रॉयल पास भी पूरा लड़की पे बेस्ड है। मार्बल वाले बन गए हैं, मतलब मार्बल वाले भी ऐसे सुपर हीरो को हटा रहे हैं एंड ये बीजवाई वाले पबजी वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, पर हाँ कर रहे हैं भाई, आप लोग खुद अपने आंखों से देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एंड ये सारा चीज़ कन्फर्म है ऐड होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई देख रहे हैं हो सकता है ऐड होगा, ये ऐड होगा कन्फर्म है 100%। भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है भाई बीच में खेलना बंद कर दूँ। वैसे मैं खेलना बंद कर चुका हूँ इजीली, भाई वीडियो लेट हो जाता है, पर हाँ मैं सोचता हूँ भाई जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको भाई कम से कम सारी चीज़ें बता दूँ, उनको पता रहे क्या गेम में हो रहा है एंड क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। पर क्या बोलूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार इससे, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। पर हाँ ये ग्लाइडर अच्छा लगा है यार, मतलब क्या सी हॉर्स उसको कहते हैं ना, हाँ सी हॉर्स ही बोलते हैं, पर इस ग्लाइडर का नाम ही कुछ अलग है। आप लोग यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो स्काई राइड, और यहाँ पे ये ग्लाइडर आप लोग देख सकते हो, मतलब क्या बोलूँ अब इसके आगे बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो सेकेंड अल्टीमेट सेट हम लोग देखने वाले हैं गाइज, वो आप लोग को पसंद आएगा। Thank you.
ही बताओ एक्सूट का तोड़ कैसे, मतलब एक्सूट इसके आगे क्या ही है। मतलब ये जो भाई ट्रेलर और इसका भाई लुक बनाया गया है मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि भाई मेरे को ओशियन वाला जो फिल्म था, क्या नाम था, पैरट्स ऑफ द कैरेबियन, वो भाई मेरे को बहुत पसंद है एंड सबको पसंद है यार। वो ऑस्कर जीता है तो उसके थीम पे बनाया गया है तो पसंद आएगा ये ऑफकोर्स ऐसा। खैर गाइज यहाँ पे लुक देख सकते हो एंड लुक के साथ साथ गन की स्किन सारे लेवल देख सकते हो। अभी यहाँ पे पूरा 3D मॉडल में नहीं आया है पर हाँ फोटोज आप लोग देख सकते हो एंड अंदाजा लगा सकते हो कितना खतरनाक ये AKM रहने वाला है ट्रेलर के हिसाब से एंड आप लोग के मतलब हिसाब से कैसा रहने वाला बताना मेरे को। हाँ तो ये देख सकते हो आप लोग एंड आगे आते हैं आउटफिट। अभी आउटफिट यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है पर प्यार से बोल रहा हूँ मतलब ये तबाही रहने वाला है। पर इसका वेट भाई आप लोग को करना होगा 27/8/2024 में यहाँ पे ये आने वाला है। और भाई यहाँ पे बता दूँ ये सेकेंड अल्टीमेट सेट है और ये पबजी में आएगा 27/8 को और बीजमाई में पता नहीं कब आएगा, मतलब क्या ही बोलूँ। एंड इसके इमोट से देखने को मिल रहा है भाई इसमें क्या रहने वाला है, एक ऑक्टोपस जरूर रहने वाला है और ट्रेलर में भी आप लोगों ने देखा होगा। खैर यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो ये बैकपैक कितना अच्छा है यार, मतलब क्या प्यारा सा है। और यहाँ पे ये इमोट अभी नहीं हो रहा है, इसका अभी थीम नहीं ऐड हुआ है। और ये मॉलीटॉक क्या प्यारा बनाया गया है यार, मतलब ये चीज़ एक सूट होता ना मज़ा आ जाता भाई। खैर अल्टीमेट सेट भी अच्छा है, 10UC में स्पिन होता है और क्या चाहिए, मतलब एक्सूट होता तो और तगड़ा बना सकते थे बट हाँ देख सकते हो कैसा है। और ये पॉपुलरिटी वाला सिस्टम है और आगे बढ़ते हैं। ये है भाई ये लुक देखो भाई, अच्छा खासा लुक है भाई इसका। एंड ये लॉबी है, ये लॉबी है, क्या लॉबी है भाई, क्या लॉबी है, मतलब तबाही तबाही है भाई एकदम। और ये है ग्लाइडर, क्या बोलूँ भाई ये अपडेट के ऊपर पूरा बेस्ड है यार, अपडेट के ऊपर पूरा बेस्ड है। ये फ्लाई कर रहा है, ये फिश है या क्या है यार, मतलब अच्छा है जो भी है अच्छा है। खैर चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।